इंटरव्यू के लिए तुम जाते हो और चले आते हो, ऐसा कब तक चलेगा? कोशिश कर रहा हूं पापा, पसंद की जॉब ही नहीं मिल रही तो क्या करूं? बेटा पैशन के साथ पैसा भी जरूरी है, जिंदगी में हर किसी को पसंद की चीज नहीं मिलती। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें वक्त के साथ समझौता करना पड़ता है। फिर भी बचपन से लेकर आज तक मैं कोशिश करता रहा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहूं, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। हर चीज दी मैंने, और अगर फिर भी तुम्हें कोई काम नहीं मिलता, इसका मतलब तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो फिर किस चीज में दिलचस्पी है, मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। दिलचस्पी की बात नहीं है पापा। तो फिर अगर तुम्हें अपने टारगेट के बारे में पता होगा तभी तुम सही निशाना लगा सकते हो ना। वक्त बर्बाद मत करो, बीता हुआ वक्त वापस नहीं लौटता। ठीक है पापा। तुझसे बेटर तो ये बॉय है, कम से कम हाउस के काम में हाथ तो बटाता है। लेजी स्टूपिड गर्ल। हाँ, मुझे पता है ये सब किसके लिए कर रहा है। What it does for you? बुलेट। बस बुलेट देखी नहीं कि सब भूल जाती है। देखिए ना, क्यों इन्हें बुलेट बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी है। जब ये छोटी थी तो इनके नाना के पास एक बुलेट हुआ करती थी, उस पर बिठाकर हर जगह घुमाते थे। जब ये पहली बार बुलेट पर बैठी थी तो इन्होंने ठान ली थी कि मैं भी किसी दिन बुलेट चलाऊंगी। लेकिन जब सीखने की बारी आई तो इनकी शादी हो चुकी थी, और तब से जब भी ये बुलेट देखती हैं तो बुलेट की तरह फटफटाने लगती हैं। तू चुप कर, जब देखो कुछ भी बोलती है। शादी के बाद तो ट्राई कर ही सकते थे आंटी। शादी के बाद दो बार ट्राई करेंगे। एक अंकल को ऐसे ठोका कि ऊपर जाते जाते रह गए, उसके बाद मैं बुलेट को कभी नहीं टचिंग। आंटी आ जाइए, आपको बुलेट सिखाता हूँ। बुलेट? नहीं बेटा, आ जाइए। इसे चलाना मेरे बस की बात नहीं है। पर तुम इसे लाए कहाँ से? आम खाइए ना आंटी, गुटलियाँ क्यों गिन रहे हो? अरे बैठिए ना, सबकी रक्षा करना। आप अपनी कर लो बस। ये क्लच है, अच्छे से पकड़िए। पकड़िए पकड़िए, अब स्टैंड ऊपर कर लीजिए। ओके, अब ये क्लच पकड़िए, ऑन कीजिए और ब्रेक दबाइए, गियर डालिए। धीरे से क्लच छोड़िए और रेस भी। जोर का झटका लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। अब क्लच दबाइए, स्टार्ट कीजिए और धीरे से रेस लीजिए। टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हट जाओ यार। कहीं किसी को ठोक तो नहीं दिया? क्या फर्क पड़ता है, शौक तो पूरा हो जाएगा। वैसे वो दाना आंटी के ऊपर फेंक रहा है, पर उसका असली शिकार तुम हो। अभी तक नहीं आए, कहीं दूर तो नहीं निकल गए? चलो देखते हैं। दावे से कह सकती हूँ ये तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ही आंटी को पटाने की कोशिश कर रहा है। ए कहाँ जा रहा है? आंटी की खुशी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बचपन में मेरी हुआ करती थी। पापा जब भी मुझे सरप्राइज देते तो मैं खुश हो जाया करता था। मेरा पहला स्टाइलिश स्कूल बैग। वो कलरिंग बुक। अब जरा इन पन्नों को पलटो।
और वो वीडियो गेम, वीडियो गेम सभी याद है मुझे। वीडियो गेम एक छोटा सा सरप्राइज भी लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकता है और उनका बचपन लौटा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं और इनकी वजह से ही बेरंग जिंदगी बहुत रंगीन हो जाती है। अच्छा सरप्राइज मिलना मतलब लॉटरी लग जाना, तो मैं सोचा था कि क्यों ना हम इसे अपना करियर बना लें। करियर बनाएंगे? हाँ? क्या मतलब? सरप्राइज प्लानर्स, बर्थडेज, मैरिज डेज, ऑफिस इवेंट्स, गेट टुगेदर। हम अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग सरप्राइज प्लान कर सकते हैं और इसके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जिसको जैसा इवेंट करवाना है उसके हिसाब से हम बजट बना सकते हैं। छोटे के लिए कम, बड़े के लिए ज्यादा बजट। आइडिया हमारा, खर्चा उनका। मेरे पास झकास आइडिया है। मान लो किसी के घर पे कोई मर गया है, हम उसके घर पे जाएंगे और एक बड़ा सरप्राइज देंगे। सही कहा। रोते हुए को फिर से हंसाएंगे और मनहूस माहौल को खुशियों भरा बनाएंगे। मेरे आवारा भाई और उसके निकम्मे दोस्तों ने एक काम शुरू किया है। सरप्राइज प्लानर, आइडिया काफी अच्छा है। क्या अच्छा? ये बकरे अब दूसरों को बकरा बनाएंगे। बोल चंपकलाल, क्या मांगता है तेरे को? मने एक छोकरी का मेच है, ऐसा सेटिंग बिठाओ कि वो दौड़ के मेरे पास आए। आ जाएगी। वैसे हमें बहुत सारे इवेंट्स के लिए ऑफर्स तो आ चुके हैं, लेकिन हमने सोचा है कि पहली बोनी हम तुमसे ही करेंगे। थैंक यू, जोर से थैंक यू। ऐसी प्लानिंग करेंगे कि लड़की अपना घर छोड़ के तेरे घर पे जाके सेट हो जाए। ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में जली भी फपड़ा, ऐसा नहीं हुआ तो आधी रात को तेरा मुंडन करके चला जाऊंगा। बी पॉजिटिव। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। वही बात है। देखा कैसा बाटली सही करा। वैसे आपको सरप्राइज कब देना है? बर्थडे पर। खुद के बर्थडे के लिए सरप्राइज? अरे खुद के बर्थडे पर कौन सरप्राइज देता है? क्या थी आवे छे तू? जहाँ से तू है। गर्लफ्रेंड का नाम दिव्या है। तेरी भी गर्लफ्रेंड है क्या? ये तो अपने को ही सरप्राइज दे रहा है। ठीक है ठीक है, गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना ना, हो जाएगा। लेकिन भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? मरने वाली है? मरे तेरी गर्लफ्रेंड, लव प्रॉब्लम है। एक हफ्ते से वो कट्टी हो गई है। फोन करता हूँ तो जोर से काट डालती है। कल उसका बर्थडे ना, तो उसे सरप्राइज देके प्यार से इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फिकर नॉट, आपका काम हो जाएगा। हाँ। पर मुझे ये बताओ कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों एक साल से तबला तोड़ प्यार करते हैं, पर एक महीने पहले उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया से मिलवाया। क्रॉस कनेक्शन। अच्छा तो तुम्हें अब प्रिया ज्यादा पसंद आ? हाँ, बहुत जोर से। एक्सचेंज ऑफर, पुराना दो नया लो। हाँ बिल्कुल। और अगर उसने तुझे ना बोल दिया तो क्या करेगा? मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ ना को हाई तो करवाने आया हूँ। दिव्या से सेटिंग डन, फिर उसके कंधे पे तू पैर रख के प्रिया तक पहुँच जाना। पैसा फेंक, तमाशा देख। समझी गियो, मेरी मोहब्बत के टायर को पंक्चर होने से तुम ही बचा सकते हो। तू टेंशन क्यों लेता है? हमें तो क्या काम है। करो करो श्री गणेश करो। कौन है? जी, तू है? दिव्या, दिव्या, एक मिनट। एनी मासी ने, मैं तेरा ढोकला, तू मेरी चटनी, बन जा मेरी परमानेंट पत्नी। ये हजी एक छे, एक मिनट हो। तू और मैं प्यार की छांव तले, समंदर किनारे भजिया तले। तू पहलवान डायनासोर, मैं पतली छिपकली, आजा करते हैं प्यार में खली बली। अबे छिल्लू छे, आई लव यू मेरी सुंदरी। प्रिया तो फिदा हो गई भाई। हाँ। प्रिया? अबे इसका नाम तो दिव्या है। प्रिया दूसरी वाली का नाम था। इसकी तो वाट है। गो टू हेल। ए दिव्या, ए उबिर। प्रिया ये ले, जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना, एक एक करके उसे ये दिखाना, पर बकने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लूं? सरप्राइज बेटा, तेरी लाइफ बनने वाली है, देखते जा। ये क्या है भाई? सॉरी मेरे भाई, वो गलती से मिस्टेक हो गई यार। मिस्टेक नहीं, हमारी जिंदगी लुटाई गई। एक ही टेक में लाइफ सेट कर रही थी, तुम लोग ने गुड़ को बर कर दिया। अबे यार, ये अपना पेमेंट तो क्लियर कर देगा ना? मुश्किल लगता है। अच्छा भाई, तेरी ये
प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? बोले तो सजावट कमाल की थी और तैयारी भी जबरदस्त थी, पर किस्मत ही झंड हो तो। यार सफलता की राह में कुछ तो मुश्किलें आएंगी ना, ये अपनी पहली पनौती थी, निकल गई। हर डॉक्टर अगर ऐसा सोचने लग गए ना तो सारे के सारे मरीज स्वर्ग सिधारने लग जाएंगे। अरे नहीं छोड़ो ना यार, तुम दोनों लड़की हो रहे हो, इतने बड़े काम में थोड़ी सी गलती हो गई, और गलतियों से तो आदमी सीखता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने तो देखो फाड़ देंगे। अबे इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑफर देगा कौन? अरे मैं दूंगा ना, ओपल वाला मेहलबान तो दली दादा भी पहलवान। मेरे लिए इवेंट कर लोगे क्या? यारे भंडारे का न्योता देने आया है तो कल। अबे चंपू, तेरे बाप ने तो बोला था हमसे मिलने का, नहीं बाप की बात भूल गया क्या? क्यों बे, अच्छा खाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, पैसे बचाना सब, और सैलरी डॉक्टर की जेब में। रवि बता क्या इवेंट है तेरा? दे तो कल मेरे बिग बॉस का बर्थडे, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग उसके लिए एक सरप्राइज प्लान बनाओ। अगर मेरा बॉस खुश हो गया तो वो मुझे पक्का मैनेजर बना देगा। समझ ले तू मैनेजर बन ही गया। अच्छा उसे क्या क्या पसंद है? उसे खुद के अलावा खुद भी पसंद नहीं है, अपनी बीवी तक नहीं यार। ऐसा है क्या? तो हो जाए झकास सरप्राइज। तेरा बॉस जब ये बलून देखेगा ना बेटा, तो तेरी प्रमोशन तो पक्की है। तेले मुंह में घी तकल। मैनेजर बनने के बाद जबरदस्त पार्टी चाहिए। दूंगा। और वो समोसे वाली पार्टी नहीं चाहिए, हम सबको बड़े रिसोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। अरे आपली कंपनी नहीं प्रॉफिट केलाय, छप्पर फाड़ के नागराज इसे पकड़ना। ए राम रेडी रहना, बूढ़ा आ रहा है। अरे और कितना टाइम लगाओगे, जल्दी वो आ गया। अरे जल्दी कर, अरे कर रहे हैं, जल्दी कर, अरे जल्दी कर, अरे जल्दी कर, आराम से, आराम से, आराम से, जल्दी, बस बस, ये देख देख बांध उसे, आराम से, जल्दी जल्दी बांध बांध, अच्छे से बांधना, आराम से, आराम से, ए टाइट बांधना, हो गया, छोड़ दो। जय हिंद भारत, बाय, कांग्रेचुलेशंस, तू मैनेजर बन गया। अबे गांठ खुल गई, अरे जल्दी पकड़ो वरना ये मैनेजर से चपरासी बन जाएगा। अरे जल्दी और तो और, अरे ये थाम थाम होल्ड कर, ये बलून पे माजी फोटो कैसे? अरे क्या कर रहे हैं? अरे ब्रेक मारना, ब्रेक मार, ब्रेक मार, अरे ब्रेक दबाओ रे बाबा, अरे कैसे देखो अरे